नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिकग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सभी लोग हमारे साथ बड़े दिल से जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है ये कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट्स तो थोड़े कम आते हैं लेकिन कॉल बहुत सारे आते हैं और मैं सबों का कॉल रिसीव भी करता हूं दोस्तों, और जो भी लोग पूछते हैं मैं बता भी देता हूं। तो इसी तरह दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हम लोग थोड़े थोड़े कर आगे बढ़ते रहें दोस्तों। तो दोस्तों आइए, अभी एक वीडियो हमने बताया था कि पांचों काली से सारे गांव पधा नहीं सा बताना, ठीक है। अभी मैं इसके साथ क्या करता हूं कि आप इसको बजाइए कॉर्ड के साथ सरगम, कॉर्ड और सरगम दोनों एक साथ। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो, सबसे पहले तो दोस्तों कि मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा जरूर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि मेरी बातों को सुनिएगा जरूर, क्योंकि जब आप सुनेंगे तभी अच्छी तरह प्रैक्टिकल कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब तो मेरा कम से कम बनता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपनों को शेयर जरूर करें दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आती हो तो, ठीक है दोस्तों। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो पांच काली से सरगम हमने बताया था, अगले वीडियो में इसका फॉर्मूला भी लिखूंगा। मेरी अगली वीडियो या उसके बाद की वीडियो देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। मैं एक ऐसा फॉर्मूला एक नंबर से लिख दूंगा, नंबरिंग से लिख दूंगा कि आप किसी भी कीज को दबाइए और नंबर आप उस नंबर को फॉलो कीजिए तो क्या होगा, आप वहां से सारे गांव पधा निशा बजा सकते हैं। और यह आना बहुत जरूरी है, जिसको स्केल कहा जाता है दोस्तों, मेरी बातों को अभी समझ लीजिए, उसको स्केल कहा जाता है। एक्चुअली जब हम लोग हारमोनियम सीखते हैं तो कहते हैं कि हर स्वर से आपको सारे गामा पधा निशा बजाना आना चाहिए, तभी गाना निकाल पाएंगे, ठीक है। और जब हम लोग कीबोर्ड कहते हैं, कीबोर्ड सीखते हैं तो उसमें इंग्लिश नोट होते हैं, सी डी एफ जी ए बी सी, ठीक है। तो उसके नोट फिक्स होते हैं, उसको स्केल कहते हैं, यहां भी स्केल कहा जाता है। लेकिन हारमोनियम में लोग कहते हैं भाई हर जगह से सारे गांव पधा निशा बजा लो, ये ऐसा कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। और कीबोर्ड सीखते हैं तो उसमें लोग उसी हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि स्केल सीख लो, ठीक है। लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, मैं आपको क्या करूंगा बता दूंगा, नंबरिंग से आप किसी भी कीज पे जहां मन करे वहां आप उंगली रखिए, उसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए यानी सा बनाइए, और हमारी नंबर को फॉलो कर लीजिए, उस फॉर्मूले को, आपका सारे गांव पधा निशा बच जाएगा दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो ये आपके लिए बड़ी अचीवमेंट होगी, ये बहुत जरूरी चीज है गाना निकालने के लिए। तो दोस्तों आइए, मैं अभी ये कह रहा था, अभी मैं जो बताने जा रहा हूं बिल्कुल मास्टर टाइप चीज। आप देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, इस तरह करते हैं, आप किसी को देखते होंगे इस तरह से आपने करते हुए देखा होगा। मैं आप वो जहां भी ऐसे किए आप, तो जो मास्टर होते हैं वो तो मास्टर ही होते हैं। तो देखिए, इस तरह से करते हैं कुछ, आप देखते होंगे। देखिए वही तरीका मैं बता देता हूं बड़े आसान तरीके से, कैसे आप पहली काली, मैंने पांच काले में आपको बताया था ना पिछले वीडियो में, उसी को मैं लेकर कहता हूं चलता हूं पांच काली में ही। पांच काली से हमने आपको सरगम बता दिया था कि कैसे करना है, बस उसी पर। तो अब उस सरगम को कैसे करना है दोस्तों, देखिए ये पहली काली पकड़ लीजिए और इसका सा ग प बना लीजिए, मैं पहले भी और भी वीडियो में बता चुका हूं। तो इसकी प्रैक्टिस अब ऐसे कीजिए, समझ गए,
फिर दूसरी काली पकड़ लीजिए, यहां से सा ग प बनाइए तो सा ग प ये होगा, तो ये हो जाएगा डी शार्प मेजर कॉर्ड। तो फिर यहां से कीजिए इसी तरह, फिर उसी तरह तीसरी काली से दोस्तों, तो तीसरी काली सा ग प क्या होगा, ये सा है तो ये ग हो जाएगा, ये प हो जाएगा, तो इस तरह पकड़ेंगे। फिर चौथी काली से यहां इसको सा मानिए तो सा और ग और प ये हो जाएगा, तो फिर उसी तरह पांचवी काली से दोस्तों, है ना, तो ये सा हो गया तो इसका ग ये हो जाएगा, प ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब यहां पर इसमें फिंगर ऐसे रखिएगा, तो आपने जो पहला बजाया दोस्तों, ये पहली काली से सी शार्प मेजर कॉर्ड हो गया, दूसरी काली से डी शार्प मेजर कॉर्ड, तीसरी काली से एफ शार्प मेजर कॉर्ड, चौथी काली से जी शार्प मेजर कॉर्ड और पांचवी काली से ए शार्प मेजर कॉर्ड। और इसको फ्लैट में अगर बोलेंगे, जो जानकार होंगे वो समझते होंगे, जिसको फ्लैट में बोल रहा हुआ तो पहली काली से जो हुआ वो डी फ्लैट मेजर कॉर्ड, और जो दूसरी काली से हुआ वो ई फ्लैट मेजर कॉर्ड, और जो तीसरी काली से हुआ वो जी फ्लैट मेजर कॉर्ड, और जो चौथी काली से हुआ वो ए फ्लैट मेजर कॉर्ड, और जो पांचवी काली से हुआ वो बी फ्लैट मेजर कॉर्ड। यानी जैसे एक इंसान का दो नाम होता है ना, है ना, जैसे घर में किसी का नाम है राधे श्याम, स्कूल में नाम है राधे श्याम, लेकिन घर में राधे श्याम नहीं बुलाया जाता है, या अमूमन देखेंगे राधे बुलाया जाएगा, है ना, घर में बुलाया जाए क्या राधे, लेकिन स्कूल में क्या नाम है राधे श्याम, तो प्यार से लोग बुलाते, इसलिए मैक्सिमम आदमी का दो नाम होता है, घर का कुछ और स्कूल में कुछ और, लेकिन इंसान वही होता है। उसी प्रकार ये जो पहली काली इंसान है इसको सी शार्प भी कहेंगे इंग्लिश में और डी फ्लैट भी कहेंगे, ये दूसरी काली है इसको डी शार्प भी कहेंगे, ई फ्लैट भी कहेंगे, तीसरी काली इसको एफ शार्प भी कहेंगे और जी का फ्लैट भी कहेंगे, चौथी काली इसे जी का शार्प भी कहेंगे, ए का फ्लैट भी कहेंगे, और पांचवी काली इसे ए का शार्प और बी का फ्लैट भी कहेंगे। तो दोस्तों आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। देखिए अभी लगातार मैं बजाता हूं, जब आप थोड़ा एक्सपर्टी आएगी ना तो फिर क्या कीजिएगा, वापस भी आएगा दोस्तों, इससे आपकी बहुत एक्सपर्टी मैच्योरिटी वाली प्रैक्टिस ही है, जो मैच्योर्ड लोग जो मास्टर लोग करते हैं यहां, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा। तो दोस्तों मैंने बताने की एक बहुत अच्छी सी कोशिश किया है हमने, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो काइंडली कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों को शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अपनी कमेंट्स जरूर दें। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जब आप सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करेंगे दोस्तों, फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, और जो सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद बेल आइकन का एक चिन्ह बनी हुई होती है, उसे जरूर दबाएं और फिर ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे क्या होगा दोस्तों कि मेरी जितनी भी वीडियो होगी वो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।